हमीरपुर जिला के अणु में साई स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित लड़कों और लड़कियों की राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन अवसर पर अभिभावकों ने प्रतियोगिता परिणाम में विवाद को लेकर हमीरपुर बैडमिंटन एसोसिएशन की शिकायत की है। शिकायतकर्ता अभिभावकों ने हमीरपुर बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से प्रतियोगिता के दौरान मैच में अनियमितताएं बरते जाने का आरोप लगाया है, जिससे विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हमीरपुर बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से ऐसे कोचों और लाइनमैन की नियुक्ति की गई जो कि अणु के साई स्पोर्ट्स सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। यहाँ पे स्टेट के टूर्नामेंट हो रहे हैं साई में, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर है हमीरपुर में, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो इनकी ऑफिशियल टीम है, अब बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है, उसके बाद फिर पेरेंट्स ने भी मेहनत करी है, बच्चा खेलने आया तो इनके पास ऑफिशियल कम है, इन्होंने अपने ही बच्चे, इसी स्टेडियम के बच्चे ही एम्पायर बिठा दिए, इसी स्टेडियम के बच्चे ही लाइनमैन बिठा दिए। इनसे पूछा गया तो इनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। कल भी एक दिव्यांश शर्मा नाम का बच्चा है, उसको एम्पायर बिठा दिया। मेरे को इनसे ये सवाल करना है, क्या वो क्वालिफाइड था मैचेस करवाने के लिए कि अपनी मर्जी से किसी को भी बिठा देते हैं? कि अब अगर ऐसे करेंगे तो टोटली सिर्फ एक एम्पायर जो उस पर डिपेंड हो जाएगा, अच्छा ये बच्चा जीतना चाहिए, ये बच्चा हारना चाहिए। अगर प्राइवेट एम्पायरिंग करेगा बच्चा जी, बच्चों को बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे अब कल भी मैच की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, कल भी उसने अपनी मर्जी से बच्चे ने राइट दे दी, इन दे दी, या टॉवल मत यूज करो, सारा उस पर डिपेंड हो गया। तो फिर ऑफिशियल्स और ट्रेनिंग का क्या मतलब है? अगर ये नेशनल लेवल का टूर्नामेंट इसके बाद होगा जहाँ पे ये जो बच्चे जीतेंगे वो जाएंगे, तो वो कैसे जाएंगे? वो अगर इक्वल न्यूट्रल डिसीजन ही नहीं है, पहले तो हमें ये दिक्कत है इनसे। और यही पॉइंट हमने जब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करवाई तब हमने उठा दिया था, तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे, और दोबारा स्टेट में ऐसा ही कर दिया। हम कुछ बोले तो इनको प्रॉब्लम है, बोले लड़ाई करते हैं। और दूसरा मेरे को ये कि हमें यहाँ पे एक बच्चा है कार्तिक ठाकुर, और भी कुछ बच्चे हैं, साई हॉस्टल साई में ही वो खेलता है, और उसका 2008 डेट ऑफ बर्थ है वी आर श्योर, और अब वो यहाँ पे 2010 के साथ खेल रहा है। और अगर इफ दे आर करेक्ट तो उनको प्रूव करना चाहिए ये बात। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने सारे सबमिट कराए हैं, पर ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की लेटर है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया की लेटर है, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इफ देयर इज एनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ प्लेयर इमीडिएट आधार वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड। इमीडिएट मतलब उसी समय इनको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी जूरी को जो यहाँ पे बैठी, उन्होंने नहीं करी, ये भी हमारे साथ भेदभाव है। फिर आगे लिखा है ना उसके पेरेंट्स ने करने दी, वो डिनाई कर रहे थे। अब इसमें लिखा है इफ एनी प्लेयर डिनाई फॉर आधार वेरिफिकेशन देयर एंट्री विल बी विड्रॉन फ्रॉम द टूर्नामेंट। उन्होंने डिनाई करा लेकिन फिर भी बच्चे को निकाला नहीं गया टूर्नामेंट से, वो खेल रहा है। मतलब कि अगर 17 साल का बच्चा 13 साल के बच्चे से कम्पीट करेगा अपनी अपने दस्तावेजों में छेड़खानी करके उम्र बदल के, तो फिर हमारे बच्चे तो फिर बेफालतू में मेहनत कर रहे हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि जूरी इनकी वेरिफिकेशन अभी करे सामने, वो आधार कार्ड वेरिफिकेशन अभी करे, हम नहीं मांग रहे, जूरी करे बैठ के, और उसी में सारा कच्चा चिट्ठा आ जाएगा कि बच्चे के डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है क्या और वो किस बिहाफ पे यहाँ खेल सकते हैं, तो हमारी 2-3 समस्या है। और अगर इसको बढ़ावा ना मिले तो हमें इसका डिसीजन अभी लेना पड़ेगा। हम हमारे इनसे रिक्वेस्ट ही समझो कि प्लीज ये वाला क्लियर करके दीजिए हमें। एक तो अंपायर का सिस्टम, अंपायर सिर्फ ऑफिशियल होना चाहिए, जिसने जो काबिल है, जिन्हें जो नॉन ऑफिशियल नहीं कि कोई भी बैठ गया अंपायर। और दूसरा ये कि अपना ये एज फ्रॉड वाला भी इनको रोकना पड़ेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके बच्चों के जो अगर एज अपनी कम करा के चल रहे हैं। ये सारे पेरेंट्स के बच्चे खेल रहे हैं इतने दूर, साल साल से मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज ये सर आप इनको करवाइए। सर बात तो माननी पड़ेगी इनको कि ये लेटर ऐसे नहीं है, ये एसोसिएशन ऑफ इंडिया का है, ये प्राइवेट टूर्नामेंट है, फिर इसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे, एफआईआर तो मैं अभी लॉन्च कर दूंगा। वहीं इस बारे में हमीरपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव शमी सोनी ने कहा कि अणु के साई स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित लड़कों और लड़कियों की राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के दौरान अभिभावकों ने एक खिलाड़ी की आयु के संबंध में शिकायत दी थी। ऐसे में एसोसिएशन की ओर से संबंधित खिलाड़ी के दस्तावेज और अभिभावकों से आयु प्रमाण पत्र आधार कार्ड को मंगवाया गया। दस्तावेजों के आधार पर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से खिलाड़ी को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। यहाँ पे हमीरपुर में इस वक्त जो हमारी स्टेट चैंपियनशिप चली हुई है अंडर 15 और अंडर 17 की, प्रदेश भर के खिलाड़ी आए हैं। यहाँ किसी एक बच्चे के ऊपर प्रोटेस्ट किया था एसोसिएशन ने, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने, तो उसके फिर हमने जो उस डिस्ट्रिक्ट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट था और उसके जो पेरेंट्स थे, हमने उनसे उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमें सारे प्रोड्यूस कर दिए थे, उसकी डेट ऑफ बर्थ का जो था, तो उसमें उन्होंने हमें आधार कार्ड दे दिया था। तो आधार कार्ड के बेस पे जो हमारी हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की जो ज्यूरी है जो इस केस को हैंडल करती है, उन्होंने उस चीज़ को ठीक पाया और उस बच्चे को हमने इजाज़त दे दी अब खेलने के लिए। तो अब ज्यूरी को देखना है, हमने तो जो कुछ उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उन्होंने हमें प्रोड्यूस कर दिए। अब आधार कार्ड हमें तो आधार कार्ड ही बेस चाहिए होता है,
तो आधार कार्ड पे जो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी वो उस मुताबिक थी कि वो उस कैटेगरी में खेल सकता है। बाकी तो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोड्यूस करने के लिए बोला था वो उन्होंने दे दिए थे और हमने वो HBBA की ज्यूरी के सामने पेश कर दिए थे, उन्होंने अलाउ कर दिया था उसको खेलने के लिए बच्चे।